हुआ मीटर का सवा भाग, डेसीमीटर का मतलब हुआ मीटर का दसवां भाग, मीटर पूर्णांक में हो गया, डेकामीटर का मतलब हुआ मीटर से दस गुना, माने दस से गुना करते तो मीटर से दस गुना, हेक्टो का मतलब हुआ कि मीटर से सौ गुना ज्यादा है, और किलो का मतलब हुआ मीटर से हजार गुना। तो ठीक है, अगर मीटर को हमको बदलना हो, अगर मीटर को हमें डेकामीटर में बदलना है तो मीटर को हम क्या करेंगे, दस से गुणा करेंगे। मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो उसको हम क्या करेंगे, सौ से गुणा करेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो उसको हजार से गुणा करेंगे। बात समझ आ रही है? नहीं। मीटर के बाद जो यहाँ से नीचे वाली प्रक्रिया है ये गुणा हो जा रही है, उतना गुणा हो रही है, और ऊपर वाली क्या है, दशमलव में है। तो अब हमको क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि दशमलव वाली प्रक्रिया क्या, मीटर को हमें डेसीमीटर में बदलना है, मतलब दसवां भाग बदलना है, तो मीटर को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम उसको ऊपर अगर बदलना चाहते हैं, मीटर को डेकामीटर में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उसको 10 गुना भाग है तो मीटर उससे दसवां भाग हुआ, इसका मतलब कि मीटर में 10 से भाग दे देंगे। मीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो 100 से भाग, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हजार से भाग। ठीक है, अब हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हजार से गुणा कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हजार से गुणा करेंगे। फिर आगे चलते हैं, किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह गुणा करके निकाल लेंगे। अब दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, अब जैसे आपको है 3/10, अगर 10 कर दिया जाए तो इसका सीधा मतलब होता है 3/10 लिखेंगे और एक अंक बाद, इसके आगे एक के आगे एक जीरो है तो एक अंक बाद इधर से बाईं तरफ घूम जाएगा, दशमलव यहाँ पे रहा होगा 3.00 रहा होगा, ये एक अंक आगे आके दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, इसी तरह हमने 3 को डिवाइड किया 100 से तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3.00 लिख सकते हैं, तो बटा में 100, ये दशमलव का अंक क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, और कितने अंक जाएगा, 2 जीरो नीचे तो 2 अंक जाएगा, तो यहाँ पे इसके आगे कितने जीरो लगाए उसका कोई मतलब नहीं भाई, पूर्णांक के आगे हम जितने जीरो चाहे उतने जीरो लगाए उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, और दशमलव के आगे जितने जीरो चाहे उतना लगा लें कोई मतलब नहीं। हम लिखे 3.50 लिखे या 3.50000 लिखे, ये दोनों के मान क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, दशमलव के आगे और उसके पीछे लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो होगा 2 अंक दशमलव आएगा तो यहाँ पे एक जीरो अपने मन से मान लेंगे, यहाँ पे 3/100 में ये हो जाएगा 0.3000 बटा में 100, दो अंक 2 जीरो है तो ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आके लग जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.03। क्लियर हो रहा है, तो आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको चेंज करना है। अब बड़ा या छोटा कैसे बताएंगे दशमलव संख्या में, हमने जैसे लिखा 3.75 और 3.65, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले हम पूर्णांक को देखेंगे कि पूर्णांक किसका बड़ा है, यहाँ पूर्णांक 3 है यहाँ पे पूर्णांक 3 है, दोनों बराबर हो गए, तो अब उसके बाद दशमलव के दसवें भाग को देखेंगे, दसवां भाग ये 7 है इसमें 6 है तो कौन बड़ा हो गया, तो इसमें हमको 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो ये हो जाएगा 3.75 इज ग्रेटर देन 3.65। अगर इसी तरह दूसरा सवाल हमने प्रश्न कर दिया, जैसे लिख दिया 28.0375 और दूसरा दे दिया 28.00975, तो इसमें पूछ दिया जाए कि कौन सा बड़ा है, तो इसमें हम पहला अंक देखेंगे पूर्णांक का, तो दोनों बराबर है, 10th डिजिट पे दोनों के मान क्या है बराबर है, लेकिन 100th डिजिट पे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 0 है, तो कौन बड़ा हो गई संख्या, ये वाली संख्या बड़ा हो गई, इसको लिख देंगे 28.3075 इज ग्रेटर देन 28.00975। ये इससे बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, जैसे हमने कह दिया कि 500 मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर में
1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो मीटर में अगर गुणा करेंगे तो 10 × 10 × 10 1000 हो गया, तो मीटर कितने पे आएगा, 100 पे, 1000 पे आएगा। तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इसको मीटर में अगर चेंज करना है तो 500 मीटर को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 2 0 यहाँ के, 2 0 यहाँ के, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बच गया 5/10। 5/10 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया तो 1/2 = 1/2 किलोमीटर, और इसको दशमलव बनाना चाहे तो 0.5 किलोमीटर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मीटर को हमें डेसी मीटर में चेंज करना है, 3 मीटर × डेसी मीटर, तो डेसी मीटर 1 डेसी मीटर में 10 डेसी मीटर का 1 मीटर होता है, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 × 10 ये हो जाएगा 30 डेसी मीटर। हमको एक चीज बस ध्यान रखनी है कि अगर मीटर को कन्वर्ट करना है इधर डेसी मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो हमको 10, 100 और 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर को ही उठाकर हमको कन्वर्ट करना है डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में, तो इसमें 10, 100 और 1000 से भाग करना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर मीटर को कन्वर्ट कर रहे, ध्यान से सुनिएगा, मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तब, ठीक है, और अगर हमको क्या कहते हैं कि किलोमीटर को चेंज करना है किसी में मीटर में, तो किलोमीटर मीटर में चाहे मिलीमीटर तक चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर को हमको हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, किलोमीटर को अगर हमें डेकामीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, किलोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो 10000 से गुणा करेंगे, फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 लाख से गुणा करेंगे, और किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 लाख से गुणा करके हमको लिखना पड़ेगा। ये बात हमको एकदम दिमाग में रख लेनी है, जिस तरह से ये मीटर का चलता है इसी तरह पैमाना हमारा किसका चलता है, ग्राम का भी चलता है और किलोग्राम का भी चलता है और लीटर का भी चलता है, लीटर मीटर, इसी तरह हम कहेंगे 1000 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर क्या होगा 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, फिर 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हम इस तरह क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आप अपने आप इस तालिका को बना सकते हैं। फिर दूसरी है लीटर वाली, अगर हम बनाते हैं तो मिलीलीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा, डेसीलीटर हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, डेकालीटर हो जाएगा, हेक्टोलीटर हो जाएगा और किलोलीटर हो जाएगा। बात आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज 2.5 को अगर हम लेते हैं, एक्सरसाइज 2.5 में कुछ इस तरह के सवाल दिए गए आपकी किताब में, एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन है, आप बुक में देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कौन बड़ा है 0.5 या 0.005, कह रहा है हु इज बेटर 0.5 या 0.05 बड़ा है, क्यों, क्योंकि गुणांक लेंगे तो दोनों के होल नंबर क्या है बराबर है 0, फिर 10th डिजिट पे 5 है यहाँ 0 है, इससे ग्रेटर कौन हो गया 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है, इसका मतलब हुआ 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 5/100 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 5/100, इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज के 10 बराबर टुकड़े करके 5 टुकड़े लिए गए और एक चॉकलेट के 100 बराबर टुकड़े करके 5 टुकड़े लिए गए, तो जो 100 टुकड़े किए गए उसमें जो हिस्सा 5 टुकड़े का मिला वो छोटा मिलेगा, और जो 10 टुकड़े किए गए उसमें से 5 टुकड़ा जो लिया गया वो बड़ा मिलेगा। तो ये हम इस तरह से भी अपना कंफ्यूजन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है। अगला पूछ रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें है 0.8 या 0.88, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 0.00 यहाँ पे बराबर, यहाँ 88 बराबर है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 ले लिया है, क्योंकि हमने बताया है कि 0.8 लिख के जितना चाहे उतना 0 लगाए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैल्यू होगी 0.8 के बराबर, तो हम यहाँ पे 0 लगा लिए, यहाँ 0 है यहाँ पे 8 है, तो कौन बड़ा हो गया 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8 से 0.88 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को अपने को रुपए
मेहनत कीजिए। तो रुपए में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, देखो किसी भी राशि को अगर रुपए में चेंज करना है, कोई भी फंक्शन को रुपए में, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपी बराबर 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर पैसे को रुपए में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रुपए को पैसे में चेंज करना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसमें दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, पहला इसमें एग्जाम्पल की 7 पैसे को रुपए में मैच करिए, तो 7 पैसे हमको क्या मालूम है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 7 पैसे बराबर हो जाएगा 7/100 रुपीज। और 100 से जब भाग देंगे तो दशमलव यहां पे 0 था, तो ये क्या होगा उनके यहां पर आएगा, कितने अंक आएगा, 2 जीरो लगे हैं के आगे, इसलिए 2 अंक आएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.07 रुपीज। 7 पैसे को क्या रुपीज लिखना होगा, क्या लिखेंगे, 0.07 रुपीज। ठीक है, इसी तरह उसने लिखा है कि 77 रुपए 77 पैसे, थर्ड पार्ट है इसका, 77 रुपीज एंड 77 पैसे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 77 रुपीज प्लस 77/100 रुपीज। अब 77 में दशमलव यहां से 2 अंक आगे आएगा, ये हो जाएगा 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 77.77 रुपीज। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। हमको पूरे स्टेप फॉलो करना है, हमको यहाँ पे लिख रहा है तो हम यानी कि डायरेक्टली लिख दिए कि 77.77 रुपीज। तो टीचर अगर 2 नंबर का सवाल होगा तो काट के आपको आधा नंबर दे देगा, पूरा नंबर नहीं देगा उस समय, क्योंकि भले हम तेज से हम जानते, जैसे हमारे आर्यन मिश्रा क्या करते हैं कि उनको सवाल आता है तो डायरेक्ट आंसर मारते हैं, सर से तुरंत बोलते सर इतना, ऐसा नहीं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लगाएंगे। और इस सवाल को लगाने का मतलब, इस तरह से लगाने का मतलब, हम टीचर को समझा रहे हैं कि क्या चीज को पूछना चाह रहे हैं। जो उन्होंने कहा 77 रुपए 77 पैसे को चेंज करो, कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो हमने क्या किया, 77 रुपीज लिखा प्लस 77 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 1 रुपीज बराबर होता है 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, यहाँ पे हम लिख कर क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए 77 को 100 से उन्होंने भाग क्यों दिया है। बच्चे ने 100 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि रुपए को पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, और रुपए को पैसे में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, 100 से गुणा करते हैं। पैसे को अगर रुपया बदलना है या धन के पैसा कन्वर्ट किया जा रहा है रुपए में तो 100 से डिवाइड होगा, और अगर रुपया कन्वर्ट किया जा रहा है पैसे में तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल को लगाते समय उसके नियम हमको पहले से मालूम होने चाहिए, नियम नहीं मालूम रहेंगे सवाल नहीं लगेगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करिए। अब देखिए हमने अभी आपको बताया है, तीसरे का पहला है 5 सेंटीमीटर दिया है, अब देखिए पहले कह रहा है इसको कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 1 मीटर में 3 सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई हमको 1 मीटर में सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, तो 10 × 10 बराबर हो गए 100 सेंटीमीटर। और हमको मालूम है चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो ये बराबर हो जाएगा 5/100 मीटर, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव यहां से उनके 2 अंक आगे आएगा, ये हो जाएगा 0.05 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में बदल, अरे सॉरी किलोमीटर में बदलना, कह रहा है किलोमीटर में बदलिए, कह रहा है कि किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, तो किलोमीटर में बदलना है तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर,
अब इसको सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो मीटर जो दिया है 0.05 मीटर है, बटा में 1000 हो गया। अब दशमलव 3 डिजिट और आगे आएगा यहाँ से उठ के, तो हम यहाँ पे चाहे तो दशमलव और आ सकते हैं, यह उठ के यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये बराबर जाएगा 0.000 3 डिजिट आया और 0.5 पहले से था, इतना किलोमीटर। तो इसको हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कर दिया, कैसे कैसे कि हमको ये वाली तालिका याद थी, ठीक है, ये वाली तालिका हमको क्या थी, याद थी। अगर हमको ये वाली तालिका नहीं याद होती तो हम नहीं कर पाते। अब इसी तरह अगर उल्टा कर देता, इसमें रिवर्स कर देता कि 0.00005 किलोमीटर को चेंज करिए मीटर में, चेंज इन मीटर, तो क्या होता, हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते। बड़ी चीज को छोटी चीज में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता, और अगर छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलना है तो वहां पे डिवाइड किया जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 0.00005 मल्टीप्लाइड बाई 1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट क्या करेगा, घूम के चला जाएगा राइट हैंड साइड। बात समझ लीजिए, दशमलव जो है दो डेसिमल पॉइंट है, अगर मल्टीप्लाई किया जाता है 1 के आगे कितने जीरो है तो उतने जीरो आगे यानी पे वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया, दूसरा 1 किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, 2000 ग्राम, 200 ग्राम। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट हम लगा रहे हैं, 3470 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम का हम कहते हैं, आधा किलो 500 ग्राम दे दीजिए चीनी, पावर मानते हैं, पावर का मतलब वो 250 ग्राम, 250 ग्राम, ये छोटी मोटी चीजें हमको याद होनी चाहिए। आधा किलो का मतलब हुआ 500 ग्राम, ये ध्यान रखिए, भूल जाते हैं हम। पसेरी का मतलब हुआ 5 किलो, जो सामान्य रूप से जो बाजार में जाते हैं तो आलू के भाव पूछते हैं, आलू वाला कहता है मुझे पसेरी का भाव बताओ, कहते पसेरी का मतलब हुआ 5 किलो, पसेरी का मतलब कितना हुआ 5 किलो, आधा किलो का मतलब हुआ 500 ग्राम। पाव भर लोग कहते हैं, पाव भर कोई सामान लेके चले आओ, तो चीनी मंगा लिया मम्मी ने, पाव भर लिया, पाव भर का चाय की पत्ती मंगाया, तो उस पर पाव भर नहीं लिखा रहता, उस पर हम समझते हैं सीधे 250 ग्राम का पाव भर होता है। पाव माने होता है चौथाई, आधा माने होता है हाफ, पाव माने होता है क्वार्टर, और फुल तो आप लोग जानते ही। अब देखिए इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मंगाने का काम करते हैं। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बच्चे को ये जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता रहेगा तो दुकानदार आपको ठग देगा। आप आधा किलो घर वाले बताएंगे, आपको आधा किलो के बारे में जब नॉलेज नहीं रहेगा, हाफ किलोग्राम कितने बराबर होता है, हाफ किलोग्राम का मतलब कि किलोग्राम का हाफ आधा, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि उसके पास बाट जो होता है दुकानदार के पास वो ग्राम में होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्राम में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम हो गया। आधा किलोग्राम हमको लेना है तो 500 ग्राम का हम सामान उसके तराजू को देखेंगे कि 500 ग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारा मैथमेटिक्स पढ़ने का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, ये डेसिमल पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि हम कन्वर्जन कर सकें, समझ सकें, रेट निकाल सकें। हम गए दुकानदार से पूछे आलू क्या भाव, उसने कहा 60 रुपये पसेरी। अब पसेरी बता दिया, अब कंफ्यूज हो गए कि किलो का भाव क्या आएगा। तो किलो के भाव निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 पसेरी में क्या कहते हैं 5 किलोग्राम होता है। 60 को 5 से डिवाइड कर दिए, हमको पता चल गया पर किलोग्राम रेट 12 रुपये आ गया। मान लीजिए हमको 1.5 किलो आलू लेना है तो कैसे निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम का 12 रुपये निकाले, फिर आधा किलोग्राम का कैसे निकालेंगे, 12 को फिर से 2 से डिवाइड कर दिए, 6 रुपये आ गया, 12 से 18 रुपये हो गया। हमने दुकानदार को बताया भैया 18 रुपये हुए। कभी कभार होता क्या है, दुकानदार आपका अनपढ़ है, बेचना तो जानता है, सबका सुन के कह दिया कि 60 रुपये पसेरी, लेकिन उसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, और आपने पूछा कितना पैसा हुआ तो वो क्या करता है, कभी कभार एक्स्ट्रा बता देता है, 18 की जगह बोल दिया कि भाई 25 रुपया हुआ, आप 1.5 किलो लिए 25 रुपये का हुआ। आप देख चले, आप भी अनपढ़ की तरह देख चले,
आप वहां पे सवाल जवाब कर सकते हैं कि 25 रुपए 25 रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे 18 रुपीज होगा, आपने हमको गलत अंकल बताया है, तो वहां पे हम वहां कंक्लूजन उसका दूर कर सकते हैं। या वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि नहीं एक डेढ़ किलो का क्या कहते हैं कि 16 रुपए हो रहा है, तो आप उसको ये भी बता सकते हैं अंकल आप घाटे में जा सकते हैं, 16 रुपए बता रहे हैं 18 रुपए आपका हो रहा है, आप 18 रुपए लीजिए। तो ये सब बातें जब उसको सिखाई जाएगी तो वो भी सीख जाएगा, क्योंकि वो मैथमेटिक पढ़ के सब्जी बेचने नहीं बैठा है, मुझसे सुनता है, बाजार भाव जानता है, उसी हिसाब से वो क्या करता है बेचना चालू कर देता है, उसको हिसाब किताब का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं रहता। हमको मैथमेटिक्स में ज्ञान रखना जरूरी है, ये हमारी डेली लाइफ की मैथमेटिक्स है, डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि इसका यूज ना होता हो। कोई सामान लेने जाए, कोई पैसा लेने जाए, दुकानदार कितना रुपये काटेगा कितना रुपये वापस करेगा, ये कैलकुलेशन हमको खड़े खड़े दुकान पे करना होता है और उसकी लिस्ट को एक बार पढ़ना होता है। अगर हम पढ़ते नहीं लेके चले आए, चाहे पापा देख लेंगे कोई बात नहीं, पापा कहे चाहे अंकल जी के यहाँ से ले आओ, अंकल जी के यहाँ से ले आए ला के रख दिए, उन्होंने लिस्ट पढ़ना ही पापा को पकड़ा दिए, अब उन्होंने 100 रुपये की जगह 500 जोड़ दिया है, वो हमें कोई मतलब नहीं, हमने दे दिया पापा को, पापा को फिर ड्यूटी जा रहा था, उन्होंने कहा अरे छोड़ था लड़का लाया सही दिया होगा, रख दिया लिस्ट काट कर दिया, लिख लिया अपनी डायरी में 500 रुपये वहाँ पे दे रहे दुकानदार को, ले जाके 500 रुपये दिया, तो इसमें घाटा किसका है, घाटा अपने घर का ही है। तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, कोई भी घर में लिस्ट आती है तो उसको पहले चेक करिए, आप खुद भी चेक करिए, माल जाते हैं माल से आते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, क्या परसेंटेज डिस्काउंट आपका सही लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि गलत लगा दिया गया है कंपनी की ओर से, या माल वालों ने गलत जोड़ दिया है वहाँ पे, कैलकुलेशन गलत कर दिया है या रेट गलत चढ़ा दिया है, तो उसको एक बार लिस्ट को देख लेने से, उसका कैलकुलेशन करके निकाल लेने से हमारा एक तो सवाल सही होता है, दूसरी चीज हमारी ये चीज सही होती है कि हमको कहीं भी घाटे का सौदा नहीं करना होता है। हम चूंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको उसमें कहीं घाटे का सौदा नहीं करना है। तो इसको 1000 ग्राम हुआ तो इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 3470 ग्राम 3470 ग्राम इसको 3470 अपॉन 1000 थ्री डिजिट बाद यहाँ से दशमलव जाएगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आके सॉरी यहाँ से उठ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये तीन डिजिट बाद यहाँ पे आके लग जाएगा, ये हो जाएगा 3.470 किलोग्राम, इतना मतलब 3 किलोग्राम पूरा 470 ग्राम सामान और लिया जाएगा, ये कन्वर्जन हो गया किलोग्राम, ठीक है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे, विस्तार के रूप में कैसे लिखेंगे, विस्तार माने एक्सटेंडेड फॉर्म में हमको लिखना, जैसे दे दिया है 20.03 फाइव का फर्स्ट पार्ट है 20.03, तो इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 20 क्या है 10th प्लेस पे है, तो इसको लिखेंगे 10x2 प्लस 0x1/10 होगा ना, 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया गया है तब दशमलव आया, प्लस 3x1/100 ये 100th प्लेस पे है, ये बराबर हो जाएगा 2x10 0/10 0/10 1 है नहीं यहाँ पे, 1 × 0 बराबर 0 हो जाएगा, 0 के बटा में 100 पड़ा है कि रेशनल नंबर है 0, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या होता है 0 नहीं होता, 0 को 0/1 0/2 0/3 0/1000 लाख 2 लाख कुछ भी हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसमें हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, इसमें है 6th वाला आप अपने से लगाइएगा, समझते चलिए। 7th क्वेश्चन है दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से सी तक गया, ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर, दिनेश यहाँ पे था ए स्थान पे था, फिर यहाँ बी पे गया, अब बी से यहाँ पे कहीं चला गया सी, ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर है, सी थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ सी पे ये 12.7 किलोमीटर रहा है, आयु स्थान ए से बी तक गया, ठीक है, और वहां से स्थान सी पे गया,
ये कौन गया था? ये तुम्हारा गया था दिनेश। ये कौन जा रहा है? दिनेश। और अयुब यहां से क्या कर रहा है? अयुब, अयुब, अयुब किधर जा रहा है? डी स्थान पे गया है, यहाँ डी पे गया है। और डी तक की उसकी दूरी दे रखा है कि ए से डी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर। और डी से फिर वो सी पे गया 11.8 किलोमीटर, यहाँ गया 11.8 किलोमीटर। ये इस तरह से गया है और ये क्या किया है? डी तक गया, फिर डी से फिर सी तक गया, ठीक है। अब इस तरह का कुछ फिगर इसका बन गया। कह रहा है किसने ज्यादा दूरी तय की और कितनी अधिक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, सेवेंथ क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई दिनेश, दिनेश द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई है? 7.5 प्लस 12.7, दोनों को जोड़ देंगे तो 12.7 में 7.5। जोड़ते समय ध्यान रखना है कि टेंथ यूनिट प्लेस लिखेगा यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस लिखेगा टेंथ प्लेस लिखेंगे, ये नहीं हम लोग आगे पीछे जोड़ते समय गड़बड़ा देते हैं दसमलव का जोड़। 7.5 12 वन हैंड में आया और ये हो जाएगा 3 7 10 का 0 वन हैंड में आया 120.2 सेंटीमीटर, कितना हुआ? ये 20.2 किलोमीटर हो गया किसका? दिनेश का। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई अयु, डिस्टेंस कवर्ड बाई अयुब, अयुब के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अयुब जो दूरी तय किया है वह है 9.3 प्लस 11.8, अब इसको जोड़ दे रहे हैं 11.8 में 9.3 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 8.3 11 का 1 1 हैंड में आया और 10 1 11 का 1 1 हैंड में आया 1 1 2 21.1, तो ये हो जाएगा 21.1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी किसकी? अयुब की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? दोनों की दूरी निकाल ली। अब क्या कह रहा है? हु कवर्स, यानी किसने ज्यादा दूरी तय की, तो हमको यहाँ पे किसकी अधिक लग रहा है? यहाँ पे यूनिट प्लस टू, यहाँ पे भी यूनिट टेस्ट प्लस टू और यूनिट प्लस पे जीरो या वन, कौन अधिक किया? अयुब। तो हम यहाँ लिख देंगे अयुब कवर्स मोर डिस्टेंस दिनेश और ये हो जाएगा 21.1 में से 20.2 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा, एक हैंड ओवर करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9 और 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, 0.9 किलोमीटर क्या हुआ है? अयुब ने दिनेश की तुलना में ज्यादा दूरी तय की है, ठीक। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह यह कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, कि श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 200 ग्राम आम खरीदे। श्यामा बॉट, एट्थ क्वेश्चन है, श्यामा bought apples equal to 3 kilogram to 5 kilogram 300 gram 5 kilogram 300 gram और दूसरी चीज है आम खरीदे, मतलब मैंगो, मैंगो खरीदा है उसने, कितना खरीदा है? वह खरीदा है 3 किलोग्राम 260 ग्राम, 3 किलोग्राम 160 ग्राम। अब कह रहा है सरला ने इतना किलोग्राम सेब और संतरे और इतने किलो, किसने अधिक फल खरीदे? तो टोटल टोटल फ्रूट श्यामा बॉट, ये हो जाएगा किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके 300 को, तो 5.300 लिख सकते 5.300
और ये हो जाएगा 3.250, दोनों को ऐड कर देंगे 05325 और 538, इतना किलोग्राम श्यामा द्वारा। सरलब और क्या क्या खरीदी सरला? सरला ने संतरे, ऑरेंज, ऑरेंज उसने खरीदे 4 किलोग्राम 800 ग्राम। दिस इज इक्वल टू 4.800 किलोग्राम। अगला है, उसने क्या खरीदा है? उसने दूसरा खरीदा है, सरला ने केले खरीदे, माने बनाना, बनाना खरीदा है उसने 4 किलोग्राम 150 ग्राम। दिस इक्वल टू हो जाएगा 4.150 किलोग्राम। टोटल हो जाएगा इसका 4.800 4.150। जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 05819 4 4 8, 8.950 किलोग्राम। इतना किलोग्राम टोटल फल आ गया। अब कह रहा है कि किसने अधिक खरीदे, किसने अधिक फल खरीदे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में यूनिट प्लेस एक है, फिर उसके बाद ये 9 है, इसने 10th प्लेस पे 5। तो किसने अधिक खरीदे? सरला ने अधिक खरीदे। तो लिखोगे क्योंकि 8.950 इज ग्रेटर देन 8.550, सो सरला बॉट मोर फूड, सरला ने अधिक फल खरीदे। इस तरह से हम क्या करेंगे, सवालों को हल कर सकते हैं 2.5 के। जो सवाल आपको आसानी से लगाने बनेंगे, आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं।